आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने शत प्रतिशत मतदान को लेकर कमर कसी है, जिसको लेकर जनपद मैनपुरी में अधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय से लेकर गांव-गांव, गली-गली मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में तहसील करहल के नथु सिंह यादव महाविद्यालय व रामा महिला महाविद्यालय की संयुक्त सेमिनार आयोजित की गई, जिसमें उपजिलाधिकारी गोपाल शर्मा, तहसीलदार, महाविद्यालय के डायरेक्टर धीरज यादव सहित तमाम अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए मतदान व मतदाता बनने पर घर परिवार गली मोहल्ले के नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया। एवं संपूर्ण निर्भीक होकर धर्म वर्ग जात समुदाय बाधा अथवा अन्य भी। सेमिनार में अधिकारियों ने छात्र छात्राओं से सीधे संवाद कर मतदाता सूची एवं मतदान से संबंधित आशंकाओं को दूर किया। कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं को घर परिवार एवं समाज के बीच जागरूकता लाने की शपथ दिलाई गई। बहरहाल नत्थु सिंह यादव महाविद्यालय में आयोजित मतदाता जागरूकता सेमिनार को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को नजर आया। जिस बच्चे की उम्र 1-1-2024 को 18 साल पूरी हो गई, वो मतदाता सूची में शामिल होने का उसे विधि अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, और ये नहीं मतदाता सूची में शामिल होने में, लेकिन उसी बात जो बताऊंगा उस पर अभी तीन तरीके का हम काम करते हैं, नहीं हम कर सकते हैं। किसी का आधार कार्ड रहते आप उसका वोटर आई कार्ड नहीं करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वोटर आई डी कार्ड, इस चीज के लिए आपकी लाइबिलिटी है कि आप भारत के नागरिक हैं। आपके स्कूल के एडमिशन के लिए आपको बनवाना हो तो आपके पास नहीं है वोटर आई डी कार्ड जरूरी है। आप ढेर सारी धर्मांतों की पहचान